और वो जो सात घोड़े हैं, ये वाला व्यू देखो गाइस, अप्रोक्स 12 साल का, ये देखो ये क्या एक जा रहा है। तो वो इंसान को इमेजिन करो और इसके कुछ कहने हैं। हेलो गाइस, वेरी 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 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वैसे आप लोग गैस करो हम लोग अब कहाँ है। चलो कोई बात नहीं, दिखाई देता हूँ। दिखो ये वाला व्यू देखो गाइस, चेक इट आउट। अब हम एक्चुअली है कोणार्क के चंद्रभागा बीच में। हम लोग का सडन प्लान हुआ, ठीक है, रात के आई थिंक 9 की 11 बजे प्लान हुआ, तब निकल के चले आए और अभी है बीच में। और 1-2 किलोमीटर है कोणार्क मंदिर यहाँ से, तो वहाँ जाने का भी प्लान है, तो आपको दिखाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे आए थे सनराइज देखने के लिए। देखो और ये देखो ये क्या एक जा रहा है। तो अभी भाई लोग का कुछ फोटो शूट चलेगा, तो वो सब कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्लान होता है उसके बाद। और क्या, अभी यहाँ का नजारा देखो, वहाँ पे पीछे है हमारा बाइक, यहाँ पे अभी खाने को जा रहे हैं। सो अभी जस्ट रूम से निकले और ये देखो लॉज, ये है हमारा रूम। यहाँ पे कल रात को एक रूम बुक किए थे। वैसे हम लोग मेनली आए थे सनराइज देखने के लिए, सनराइज तो देख ली, और अभी कोणार्क पास में ही है तो कोणार्क तरफ भी थोड़ा घूमना हो जाएगा, तो अभी निकले। अभी बाकी सब रेस्ट कर रहे हैं रूम में, मैं और फिरोज जा रहे हैं। आप लोगों के लिए वीडियो भी तो बनाना जरूरी है, इसलिए यार इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये है मंदिर के बाहर का व्यू, रोड के टू साइड्स ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं, और देखो कितने सारे सामान बिक रहे हैं यहाँ पे, मूर्ति वूर्ति, यहाँ पे वेंटी बैग्स, और ये क्या है पता नहीं। ये है मेन एंट्रेंस, ये है टिकट काउंटर, ठीक है। अगर किसके पास अगर कैश नहीं रहेगा तो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करके भी टिकट हो सकता है। वैसे यहाँ पे 40 रुपये पर पर्सन पड़ रहा है, लेकिन वहीं पे ऑनलाइन करने पे 35 रुपये, मतलब 2 बंदों का 70 रुपये हुआ, 10 रुपये का फायदा। और फाइनली टिकट हुआ और अभी हम एंट्री कर रहे हैं। वैसे सामने का नज़ारा देखो, यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा है लेकिन कैमरा में छोटा दिख रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लोग ताजमहल आए हैं, ताजमहल में भी उसका एंट्रेंस कुछ ऐसा है। नहीं तो यहाँ पे हर 2 बंदे एक कैमरामैन है, हर कोई आके आपको पूछते हैं कि फोटो उठाएंगे क्या, वीडियो बनाएंगे क्या। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे टिकट का चेकिंग होता है। सबसे फर्स्ट एंट्री करने के बाद आपको कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है, देखो आज बहुत ही भीड़ भाड़ है। वैसे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है एंट्री गेट, और ये है मेन मंदिर, और आई थिंक चारों साइड से गेट्स हैं। और यहाँ का थोड़ा डिटेलिंग देखो, कैसे पत्थर को पूरा गड्ढा कर करके इसका स्ट्रक्चर पूरा बना है, और इसके अंदर भी देखो ये नेट टाइप पूरा पूरा पतला पतला पूरे डिटेलिंग्स के साथ काम हुआ है। वैसे ये जो मंदिर कोणार्क, इसका संस्कृत में मतलब है कोणा मतलब एंगल, और आर्क मतलब सन, इसको मिला के इसका नाम हुआ कोणार्क मतलब सन टेम्पल। और ये मंदिर भी भगवान सूर्य के नाम पे अर्पित है। वैसे ये जो मंदिर है ना, हमारे ओडिशा के 13th सेंचुरी के राजा फर्स्ट नरसिंह देव के द्वारा बनाया गया था। मेन मंदिर के ऊपर चढ़ने का तो परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे चढ़ सकते हैं, और यहाँ पे भी जाएंगे। सबसे पहले आपको मंदिर का 360 दिखाते हैं, उसके आसपास क्या है क्या नहीं सब कुछ आपको अपडेट देते हैं, ठीक है। कैमरा में थोड़ा एक्चुअली छोटा नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत में बहुत बड़ा है भाई। देखो वो इंसान को इमेजिन करो, मतलब उस हिसाब से देखो बहुत ज्यादा हाइट है। तो थोड़ा सपोर्ट देने का कोशिश भी किया गया है, देखो इस साइड से इस साइड से, ये दोनों बहुत साल पुराना है, इसलिए अभी पानी धूप बारिश ऐसे हो के पूरा डैमेज हो गया है पूरा स्ट्रक्चर। देखो कैसे पत्थर को कैसे काट काट के साँच के बनाया गया है ये। वैसे एक्सपर्ट का मानना है कि ये मंदिर को साल 13th सेंचुरी में बनाया गया था, और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये मंदिर आसपास 1250 तक बन गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इस मंदिर को अप्रोक्सीमेटली 1000 साल हो चुका है। वैसे इस मंदिर के बारे में बहुत ही मतलब एक खास स्टोरी है, खास स्टोरी तो नहीं मतलब इसका हर बात खास है। ऐसा स्टोरी है कि इस मंदिर को बनाने के लिए अप्रोक्स 12 साल का टाइम लगा था, ठीक है, और 1200 वर्कर्स लगे थे, और ये मंदिर टोटल 12 एकर्स में फैला है, मतलब इसका टोटल विथ 12 एकर्स है, मतलब 12 एकर्स तक इसका कैंपस पूरा फैला हुआ है। वैसे इस मंदिर के
के बारे में एक थ्योरी है, और थ्योरी तो नहीं रियलिटी कह सकते हैं। ये पूरा का पूरा मंदिर जो है एक रथ के आकार में बना है। रुको, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो ये रहा मंदिर, ये रथ के डिजाइन का है, और इधर है इसका चक्का और सामने है घोड़ा। ये घोड़ा एक्चुअली तो टूट गया है, इसलिए थोड़ा ज्यादा प्रॉपरली विजुअल नहीं है। आपको आराम से आइडिया हो जाएगा कि ये मंदिर पूरा पूरी रथ के आकार में बना है। और वो जो सात घोड़े हैं वो एक्चुअली में रेनबो में जो सात कलर्स होते हैं उनको दर्शाते हैं, और वो 12 चक्के जो है एक साल के 12 महीने को दर्शाते हैं। वैसे ये जो चक्का है इसका भी एक स्टोरी है। इसमें लगा है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 8 डंडी बोल सकते हैं। इसमें से जो 8 डंडी है, इसमें एक डंडी को एक पहर बोलते हैं, जो कि लगभग 3 घंटे के आसपास होता है। और इसमें है 8 पहर। 8 पहर मतलब 8 × 3 = 24 आवर, मतलब ये टोटल चक्का जो है एक पूरा 24 घंटा एक दिन को रिप्रेजेंट करता है। ये देखो, इसके बारे में तो मेरे को आइडिया नहीं है ये कौन कौन से हिंदू गॉड्स का स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, और बहुत सारे डांसर्स, मतलब ये प्रॉपर हिंदी में क्या बोलेंगे उसके बारे में तो आइडिया नहीं है, फिर भी अनबिलीवेबल कितना डिटेल्स है भाई। अप्रोक्स 1000 साल पुराना स्ट्रक्चर, फिर भी आज तक ये खड़ा है, लेकिन बहुत बुरा कंडीशन में है। इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे 200-300 साल में ही गिर जाएगा। पहले के जमाने में कोणार्क मंदिर के एंट्री के लिए 4 गेट्स हुआ करते थे। सबसे पहले था सिंह द्वार, जो कि इस मंदिर का मेन एंट्रेंस था। उसके बाद था अश्व द्वार, उसके बाद था अस्थि द्वार, और फिर आखिरी वाला था गज द्वार। वैसे इस मंदिर का शेप एंड साइज को देखा जाए तो इस मंदिर का मतलब चारों तरफ से दिखने में पूरा सेम है, चारों तरफ का गेट भी सेम है, लेकिन सिंह द्वार जो है वो थोड़ा बड़ा है। सामने तरफ मेन एंट्रेंस के तरफ जो गेट है वो है सिंह द्वार, और यही ये मंदिर का मेन एंट्रेंस है। इस मंदिर लगभग टूटने वाला है। देखो यहाँ पे ऐसे गवर्नमेंट के तरफ से थोड़ा सीढ़ी वीढ़ी दे के थोड़ा रिपेयर टाइप चल रहा है, ऐसा कुछ सीन है, लेकिन वैसा तो कुछ बेनिफिट दिख नहीं रहा। देखो सीढ़ी वीढ़ी लगा है, और इधर तो ऐसे पौधे वोधे भी उग गए हैं, बहुत ही खराब कंडीशन में। इतना पुराना मंदिर भाई, 1000 साल करीब हो गया, और कितना दिन टिकेगा। वैसे ये मंदिर में जो है टोटल 24 चक्का लगा है। इस साइड देखो, यहाँ पे ये जो चक्का है ये लाइन होके पूरा वन साइड, इस साइड से 12 है और मंदिर के उस साइड से 12 है, मतलब टोटल इस मंदिर में 24 चक्के लगे, जो कि ऑब्वियसली मूवेबल नहीं है, बस डिजाइनिंग के लिए राजा ने बनवाया था मेरे हिसाब से। थोड़ा बड़ा रथ है इसलिए 24 चक्के। वैसे ये है मंदिर का पूरा प्रॉपर बैक साइड का व्यू, यहाँ से पूरा टोटली डैमेज है मंदिर, और सामने से थोड़ा अच्छा दिख रहा है लेकिन बैक साइड से पूरा डैमेज है। और सामने इस साइड बहुत बड़ा पार्क है, जो ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं मंदिर पर ही। पार्क में रेयरली कोई बंदा दिख रहा है, रेयरली देखो, मतलब 1-2 फैमिली बैठे हैं, बाकी सब वो गेट पे इधर उधर सब। वैसे इतना धूप में घूमते घूमते हालत टाइट हो गया, तो अभी फिलहाल ये वाले पेड़ के नीचे यहाँ पे ऐसे सीट कुछ लगा हुआ है, यहाँ पे आ गए बैठ गए, थोड़ा टाइम रेस्ट करेंगे और बाहर जाएंगे। और ज़्यादा कुछ घूमने के लिए तो है नहीं, बस आओ फैमिली के साथ आओ थोड़ा घूमो। ये है गज द्वार, मतलब एलिफेंट गेट। ये भी सूर्य मंदिर का 4 गेट में से एक है, मैं जो फर्स्ट पहले मेंशन किया था। देखो जो भी गेट है उसके मतलब आसपास नहीं तो आगे पीछे उस वाले एनिमल का मतलब ऐसा मूर्ति टाइप की स्टेचू टाइप बनाया हुआ है। देखो यहाँ पे बना है एलिफेंट, और वो सिंह द्वार इसके पीछे जो है उसमें सिंह का मतलब लायन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये है सिंह द्वार, ये बिल्कुल सूर्य मंदिर का पूरा फ्रंट वाला गेट है। चारों गेट में से ये एक है और ये सबसे मेन गेट है। ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस, देखो सामने से ऐसा दिखता है, और साइड एरिया कुछ ऐसा है। यहाँ पे भी जो वॉल्स पे जो स्ट्रक्चर्स बना है भाई, लगता नहीं कि 1000 साल पुराना होगा। देखो कितना डिटेलिंग के साथ, कितना अंदर, इसके अंदर जो गैप्स है उनमें भी बराबर डिस्टेंस है पूरा। देखो कितना कारीगरी, कितना साल का समय लगा होगा। इसमें भी भगवान का, सिंह का,
किसका किसका स्टेचूस बनाया हुआ है, इसमें बना है हर एक पिलर पे। ये जो एरिया है टोटल एरिया, इसको मिलाकर होता है सिंह द्वार, और सिंह द्वार के अंदर घुस के क्रॉस करने से उसके बाद आता है सन टेम्पल, मतलब सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर को वैसे उसको इंग्लिश में ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, उसका मतलब क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। वैसे अभी अभी जस्ट एग्जिट हुआ हमारा, हम अभी निकले। एग्जिट के लिए सेम गेट नहीं, ऐसे घूम के राइट साइड से होके घूम के और एक दूसरा रास्ता है। और अभी धूप भी ज़्यादा हो रहा है इसलिए आ गए, गन्ने का जूस पियेंगे और बाइक लेके जाना है वापस लॉज को। लॉज में सुजीत सोहा भाई वो कहीं और घूमने जाएंगे, उसका भी प्लान बना रहा है, देखते हैं मैं जाऊँगा कि नहीं। अगर जाऊँगा तो कल का वीडियो में आपको वो वाला वीडियो भी मिल जाएगा। इतना दूर देखने के लिए थैंक। इतना दूर अगर देख ही लिए हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। और इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट में जरूर बताना। और वैसे आपको ऐसा टाइप का मतलब ऐसा स्पिरिचुअल जगह या फिर ऐसा हिस्टोरिक प्लेस घूमना पसंद है और आगे के ब्लॉग्स में आपको देखने का अच्छा है तो वो भी कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग के लिए ऐसा वीडियो ला पाऊं। तो चलो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे कल एक ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।